गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हम लोग शुरू करेंगे आज का लेक्चर। तो आज पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि आपने ग्राफ वगैरह पढ़ लिया, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, यानी किसी भी क्वालिफिकेशन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया। अभी आगे चल के हम उसका रेंज निकालना सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज निकालना सीखेंगे। अभी थोड़ा सा अपने बैक टू द सिलेबस लौट आते हैं, रेंज भी अपने सिलेबस में है, पर थोड़ा सा और पहले कुछ और जो सिस्टम है, सिस्टमेटिक जिस तरीके से चलते हैं उसमें लौट आते हैं। सिस्टमेटिक चलने का मतलब, अगर मान लो आपके सामने कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो क्वाड्रेटिक सामने आ जाती है और दोनों क्वाड्रेटिक से रिलेटेड मिला जुला कुछ बातें करता है, मतलब इफ टू क्वाड्रेटिक आर गिवेन। अब हम अगले जो पढ़ने वाले हैं इसमें आज थोड़ा सा इसके बारे में कि इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवेन, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी तो उस केस में क्या अपन लोग काम करेंगे। तो देखो, दो क्वाड्रेटिक गिवन होगी, मैंने मान लो हमने कहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन गिवन है, जिसका कि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, जिसको कि हमने नाम दिया D1 है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू है जिसका कि डिस्क्रिमिनेंट को हमने बोला कि D2 है। ठीक है, तो क्या क्या बातें हो सकती है। पहली बात अगर मैं आपको लिखूं कि अगर D1 प्लस D2 दोनों के डिस्क्रिमिनेंट को मैंने ऐड किया तो हो सकता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब दोनों का सम पॉजिटिव आ जाए। अगर दोनों का सम पॉजिटिव आ जाता है तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, दो नंबर का सम पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि दोनों नंबर में से या तो, सुनो ध्यान से, या तो दोनों पॉजिटिव रही होंगी या तो इनमें से एक नंबर पॉजिटिव और एक निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ होगा। जैसे मान लो एक 10 तो एक -5, 10 -5 अगेन 5 पॉजिटिव आया या दोनों पॉजिटिव रहा होगा। तो यहां से क्या पता चलता है कि एट लीस्ट कम से कम इन दोनों में से एक नंबर तो पॉजिटिव रहा ही होगा। तो एट लीस्ट वन D इज पॉजिटिव, और कम से कम एक D पॉजिटिव है, तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि कम से कम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल है। मतलब कम से कम, यानी एट लीस्ट हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि एट लीस्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। या इसी चीज को हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि एट लीस्ट टू रियल रूट्स यहां पे होंगे। अगर एक क्वाड्रेटिक के रियल रूट होंगे तो कम से कम दो रियल रूट्स हो गए, हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू है तो सर आप बोल सकते हो कि सर आप जिस दिन एक नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ और एक आपका ऐसा हो जाए कि एक जीरो हो जाए, तो एक जीरो हो जाए और एक निगेटिव हो जाए तो उनका सम पॉजिटिव नहीं हो सकता है। दोनों जीरो हो जाए तो इसका रूट्स एक आएंगे और एक इसका रूट्स, दोनों का अलग अलग आएगा, उसी केस में जीरो हो सकता है। तो एटलीस्ट टू रियल रूट होंगे। दूसरा केस क्या बन सकता है भाई यहाँ पे, कि सर जी दोनों को जोड़ा और दोनों की वैल्यू निगेटिव आ गई, लेस देन आर इक्वल टू जीरो आ गया, उस केस में क्या हो सकता है। तो दो नंबर का सम निगेटिव होने का मतलब है कि या तो दोनों निगेटिव, यानी दोनों माइनस माइनस रहेगी तो सम निगेटिव होगा, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव बट निगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, जैसे एक -10 एक माइनस टेन एक +2 -8 निगेटिव आया। तो क्या हम कह सकते हैं कि एट लीस्ट, इस बार यही बात कह सकते हैं कि एट लीस्ट वन डी एज निगेटिव, कम से कम इन दोनों में से कम हर बार दोनों ही केस में, चाहे दोनों निगेटिव हो चाहे एक निगेटिव हो, कम से कम एक निगेटिव तो हो ही रहा है। एटलीस्ट वन डी इज निगेटिव, यानी इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट, यानी ये भी हम लिख सकते हैं कि एटलीस्ट टू इमेजिनरी रूट। बात समझ में आई। और हमें इमेजिनरी लिख रहे हैं तो ये इक्वल टू वाला साइन हटा दिया मैंने, तो एटलीस्ट टू इमेजिनरी रूट। तो ध्यान रहे कि D1 प्लस D2 की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो सवाल में डायरेक्ट ये वाली बात मिलता है, और यहाँ पे D1 प्लस D2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो डायरेक्ट ये वाली बात आपको इन्हीं सब बातों का यूज करना है। ये तो आपके सामने दो, मान लो सर जी, मान लो मल्टीप्लाई हो गया तो तीसरे नंबर की बात,
अगर D1 into D2 की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो क्या होता है भाई, अगर D1 into D2 पॉजिटिव हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि इक्वल टू भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर D1 D2 into पॉजिटिव हुआ तो क्या मतलब होता है कि या तो दोनों ही पॉजिटिव रहे होंगे या तो दोनों ही निगेटिव रहे होंगे, मतलब दोनों ही नंबर पॉजिटिव रहे होंगे या दोनों ही नंबर निगेटिव रहे होंगे। और दोनों ही पॉजिटिव का मतलब या तो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या तो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इमेजिनरी होंगे, मतलब आइदर बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट और बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट। ठीक है, ये आपका अगर दोनों की पॉजिटिव हो गई तो। चौथे नंबर पे देखो D1 into D2 अगर निगेटिव हो गया तो एक ही बात इंप्लाई कर सकता है कि दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, कंफर्म सी बात हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली यहां पे देखो एक वर्ड मैं जोड़ रहा हूं, एग्जैक्टली वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रियल रूट। एग्जैक्टली आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक को निगेटिव और एक को पॉजिटिव होना मांगता ही है इस केस में। जैसे सवालों पे आते हैं, जैसे सवाल है इफ पी क्यू आर एस आर रियल नंबर्स सच दैट मान लो लिखा है पी आर इक्वल टू 2Q+S एंड देन सो दैट सवाल में मान लो कह रहा है देन सो दैट इक्वेशन ax² प्लस px plus q इक्वल टू 0 एंड x² प्लस rx + s इक्वल टू 0 हैव एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। और बच्चों एक बात देखो, यहां पे 2 रियल रूट्स की बात किया है, एटलीस्ट के वर्ड यूज किया है, और एटलीस्ट वर्ड यहां देखो इन चारों ही सेक्शन में एटलीस्ट वर्ड कहां आया है, एटलीस्ट वर्ड D1+D2 पे आया है, D1+D2 पे एटलीस्ट आया है, D1 into D2 पे नहीं आया है। किस पे आया है? D1 into D1+D2 पे एटलीस्ट वर्ड आया है, एटलीस्ट वर्ड आया है D1+D2 पे, मतलब हमको निकालना चाहिए क्या D1+D2। तो चलो देखो D1 निकालते हैं प्लस D2, D1 मतलब इस वाले का D1 मतलब P² मतलब B² माइनस 4AC तो 4Q, फिर प्लस दूसरे वाले का R² माइनस 4S, B² माइनस 4AC। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है कोई बात नहीं, P + P² + R² माइनस 4 कॉमन हो गया, Q + S हो गया। अच्छा Q + S की वैल्यू कितनी है, कहीं दे रखा है 2Q+S की वैल्यू है PR, तो एक काम कर लेते हैं, ये आया P² + R² - 2 × इसके 2 इसमें चला गया तो बन गया PR, और ये देखो A² + B² - 2AB हो गया P - R² और किसी भी नंबर का होल स्क्वायर अगर आ जाता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये 0 होते ही देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एटलीस्ट टू रियल रूट, बस बात खत्म, T√2 real roots। ठीक है आगे आते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है कि इफ कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है PX = AX² + BX + C एंड कोई दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन QX दे रखा है -AX² + BX + C और सामने सवाल कह रहा है कि एंड, और भी आपसे सवाल कह रहा है कि एंड AC जो है कंडीशन दे रखा है कि AC 0 के बराबर नहीं है, AC 0 के बराबर नहीं है मतलब क्या है, फिर या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है 0 को छोड़कर, तो AC 0 के बराबर नहीं है, देन सो दैट इक्वेशन PX × QX = 0 हैव 2 रियल रूट्स। आपको यह प्रूफ करना है कि एटलीस्ट हैव एटलीस्ट 2 रियल रूट।
यहाँ पे फिर से वर्ड एटलीस्ट आया है टू रियल रूट्स, लेकिन यहाँ पे दोनों क्वालिफिकेशन जुड़ी नहीं है, मल्टीप्लाइड हो गई है। तो इसको सोचने का तरीका थोड़ा सा हमारा अलग होगा कि एक क्वालिफिकेशन पी एक्स जो है इनफैक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नॉट इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए जरा डी वन की बात करें, डी वन क्या है इसका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और जो दूसरा वाला क्यूब एक्स है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस सी। तो क्या है डी टू, यहां पे क्या है डी टू की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, ठीक है ना, बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी। तो जरा देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि डी वन इंटू डी टू, अब जरा देखो ये तुम्हारा पी, यहाँ पे सवाल में पी एक्स इंटू क्यू एक्स किया हुआ है, मतलब इक्वल टू जीरो। इसका ये मतलब होता है कि इसका ये मतलब होता है, यहां से हम दो बातें लिख सकते हैं कि या तो पी एक्स बराबर जीरो होगा या आपका क्यू एक्स बराबर जीरो होगा, ठीक है। और या का मतलब इस चारों सोल्यूशन में आएंगे। अगर पी एक्स बराबर जीरो है तो इस अगर मैं दिखा दूं कि इसके अगर रूट्स, अगर मान लो कि किसी टाइम इसके रूट्स रियल हो जाए, इसके रूट्स रियल हो इमेजिनरी, वो क्या फर्क पड़ता है, अगर इसके दोनों रूट्स रियल हो गए तो हमारी एटलीस्ट वाली बात पूरी हो गई, या इसके दोनों रूट्स रियल हो गए तो एटलीस्ट वाली बात पूरी हो गई, या अगर दोनों के ही रूट्स रियल आ गए तो चार रियल रूट्स मिल गए मतलब तब भी एटलीस्ट वाली बात पूरी हो गई। मतलब हमको ये दिखाना, अलग अलग सोचने की जरूरत है इस बार कि इसका डी वन अगर पॉजिटिव आ जाए या इसका डी वन पॉजिटिव आ जाए, एनी केस, किसी भी केस में या तो इसका डी वन या तो इसका डी वन पॉजिटिव आ जाए। जरा देखो क्या दे रखा है, गिवन है सवाल में अपने पास एसी नॉट इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब होता है कि या तो एसी पॉजिटिव होगा या तो एसी निगेटिव होगा। जिस दिन एसी पॉजिटिव होगा उस दिन जो डी वन है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी और जो D2 है B स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसमें जरा बताओ AC की वैल्यू पॉजिटिव तो B स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर, AC भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव में से पॉजिटिव नंबर घटाने पे निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होने के चांसेस हैं। मतलब यहाँ पे हम श्योर नहीं है, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव। जैसे मान लो 10 में से 5 निकाल रहा हूं, 10 माइनस 5 पॉजिटिव आ गया, और 10 में से 20 निकाल रहा हूं, 10 माइनस 20 निगेटिव आ गया, तो कुछ भी होने के चांसेस है, ये सॉरी ये प्लस है, ये प्लस। D2 इसमें ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव में पॉजिटिव को जोड़ा गया तो ये हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज ऑलवेज यहां पे D2 पॉजिटिव रहेगा। देयरफोर हम एक बात कह सकते हैं, देयरफोर कि एटलीस्ट कम से कम कि ये तो दो पक्का कर दिया, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो चार रियल रूट हो गए, अगर ये निगेटिव हुआ तो कम से कम दो तो है ही, एटलीस्ट टू रियल रूट, इस केस में हो गया टू रियल रूट्स। सिमिलरली उधर देखते हैं कि D1 की वैल्यू अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, D2 की वैल्यू आपका है बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी। जरा देखो AC कैसा, निगेटिव, B स्क्वायर कैसा, पॉजिटिव, AC कैसा, निगेटिव, ये निगेटिव, निगेटिव माइनस निगेटिव पूरा ओवरऑल कैसा हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये हमेशा कैसा हो गया, पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव में निगेटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव श्योर नहीं है, बट एक बात तो श्योर हो गई, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो चार रियल रूट, अगर ये निगेटिव आ गया तो दो तो रिजर्व हो ही चुके हैं, मतलब यहां भी एटलीस्ट टू रियल रूट, एटलीस्ट टू रियल रूट्स। बोलो बच्चों बात समझ में आ गया कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो हमारा थॉट कैसे होगा, कैसे सोचना है अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये हमने अभी तक आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया, अब हम जरा फटाफट चलते हैं आगे बढ़ते हैं, रिलेशन आपको निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोफिशियंट के बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन कोफिशियंट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखते हैं क्या आता है, रूट्स और कोफिशियंट के बीच में रिलेशन निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशियंट, इन दोनों चीजों पे अब हमें बात करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशियंट पे अब बात करेंगे। अभी तक हमने बात किया किस पे, अभी तक हमने अभी बात किया कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके ऊपर उसके उस केस में हम क्या, हमारे साथ क्या कर सकते हैं, कैसे हम उनके रूट्स वगैरह के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये आपका होता है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशियंट, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मान लो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई है, पहले थोड़ी थोड़ी कुछ बातें लिख देते हैं
की क्वालिफिकेशन लिखी गई है आपके सामने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। इसके कितने रूट, इसके दो रूट हो सकते हैं जो कि एक अल्फा और एक बीटा हो गया, दो रूट हो गए। इसमें पहली बात आपके सामने पता है सम ऑफ रूट्स जिसको कि हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई, बोलो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ये आपका देखो कोफिशियंट है और ये रूट्स हैं, तो रूट्स और कोफिशियंट के बीच में हम रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, यानी बता रहे हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाई ए। तीसरा अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस मॉड मैंने ले लिया रूट डी बाई ए, ठीक है ना, रूट डी बाई ए। तीसरा चौथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है भाई, अल्फा प्लस बीटा को बारे में अपने को पता है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा अपने को पता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो यह फाइनली आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस टू सी बाई ए। बाकी जो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा, यही चीज आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा, मान लो कभी आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ गया तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी के तर्ज पे टूट गया तो ए अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये रूट डी बाई ए और ये है आपका माइनस बी बाई ए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सब आपको, क्यों, क्योंकि जितने जो भी टर्म हमको ये दो चीजें जो है, ये दो ऐसी जो चीजें हैं जो यूनिक है, हमेशा हमको फटाफट मतलब देखते ही क्वालिफिकेशन देखते ही हम निकाल लेंगे कि सम ऑफ रूट्स कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है। तो उसके बाद से हम उन सभी चीजों को इन्हीं के टर्म में अल्फा माइनस बीटा भी निकाल लेंगे, थोड़ा सा डी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा लेकिन निकल जाएगा। पांचवे के बाद छठे नंबर पे आते हैं, छठा नंबर मान लो आपके सामने कभी आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ओपन करना जानते हैं, क्या होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा, जो प्लस थ्री वाला है पार्ट उसी को माइनस कर देना है, माइनस थ्री अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। देखो बच्चों यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अपने को पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, फटाफट अपने को वैल्यू रख के निकाल लेंगे। सातवें नंबर पे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अगर कभी आपके सामने आ जाए तो इसको हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब कैसे ब्रेक होता है, तो ब्रेक होता है एक अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस थ्री अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपका इस बार प्लस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मान लो पांचवें नंबर आठवें नंबर पे मान लो कभी आपको अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर कह दिया तो ये निकालना आसान है। किस सेंस में आसान है कि देखो दो तरीके से अपन लोग कर सकते हैं, एक तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लिया, और होल स्क्वायर कर लिया तो इसमें से एक्स्ट्रा क्या अपने पास आया माइनस टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एक्स्ट्रा आया, आपका काम बन गया। मान लो नाइन्थ नंबर पे कभी आपसे अल्फा की पावर फाइव प्लस बीटा की पावर फाइव पूछा तो सर इसको कैसे पता करेंगे, या ऐसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी तो कैसे निकालेंगे सर। तो देखो पावर अगर बढ़ती जाएगी तो आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप किसी को और अल्फा प्लस बीटा का होल पावर फाइव आप जानते हो या बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह, हो सकता है क्लास टेंथ में थोड़ा बहुत बाइनोमियल के बारे में सुना हो, तो अल्फा प्लस बीटा की पावर फाइव का बाइनोमियल से एक्सपेंशन करो घटाओ हटाओ ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। आप क्या करो कि इसको देखो कि ये आएगा कब, अल्फा पावर फाइव और बीटा पावर फाइव किसके मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो ये ले आने के लिए आप मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आसान है निकालना, ये यहीं पे है देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना आसान है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकालना आसान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लीकेशन में देखो क्या आएगा, अल्फा की पावर फाइव एक बार फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बीटा की पावर फाइव, बाकी एक्स्ट्रा क्या आएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब। देखो कितना आसान सी मजेदार बात आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे,
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी अपन लोग आसानी से निकाल लेंगे, और यहाँ से अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालने के लिए बोलेगा तो ये इसकी वैल्यू निकालना होगा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में बच गया, तो बताओ यहाँ से वैल्यू आ गई बच्चों। तो ये क्या है कि आपका टूल है, आप यूज इनका कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम भारी भरकर कैलकुलेशन से बच सकें। मान लो 10वें नंबर पे कभी अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 बोला, तो इसको हम दो तरीके से सोच सकते हैं कि सर जी ये तब आ सकता है जब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 से, मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा, बिल्कुल बीच में आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी अपना इधर उधर ट्रांसफर कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे और आंसर ले आ लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अब ये नहीं कि सर अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9 आ गया तो भी हम ऐसे सब मेथड लगा रहे, नहीं, जब पावर बढ़ने लगे खूब ज्यादा पावर होने लगे तो एक और काम करना चाहिए जो कि मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, बाकी इसके बाद क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। जैसे अब आते हैं अगला वाला पोर्शन, मैं लिखना चाहता हूं कि जब वेन अल्फा एंड बीटा है मोर पावर का मतलब बहुत वैल्यू बड़ी वैल्यू, जैसे कभी आपके अल्फा की पावर 20 आ गया, बीटा की पावर 20 आ गया, ऐसे टाइप का ये प्लस माइनस कुछ करके आया, तो उस केस में तब यूज करें और क्या कि आपका देखो क्या करना है, इस केस में यूज करना है एक और केस में कि आपका और भी वेन क्वेश्चन बिकम डिफिकल्ट, अगर मान लो सवाल आपके सामने बहुत कठिन होने लगे देन यूज, तब भी ये यूज करें। कैसे, कौन सा, क्या कठिन होने लगे तो क्या यूज करना है, देखो अपने पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के दो रूट है अल्फा और बीटा, अगर अल्फा एंड बीटा रूट है तो अल्फा बीटा अगर रूट्स है then it will satisfy the इक्वेशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू एक जीरो हो जाएगा, और एक हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों, तो आप यहां से इसको और इसको यूज करना है, इसी को यूज करना है, जब सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो इसको ही यूज करना है। बात समझ में आ रही है ना, यहीं से आपको जो सवाल में देखना है कि क्या चीज सवाल में कितने रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है जब सवाल बहुत कठिन होने लगे। मैं हर तरह के सवाल कराऊंगा, अभी जस्ट आपके सामने हर तरह के सवाल कराऊंगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, पर ये आपके सामने जब भी इस तरह की अगर पावर में जब तक पूछे तो हम पावर में निकाल रहे, पावर खूब ज्यादा बढ़ाने लगे तो उस केस में आपको इसका यूज करना है कि अल्फा और बीटा उसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, और सेटिस्फाई करेगा तो ये और ये इसका यूज, इसका आप जो भी सवाल में जैसा होगा उसका यूज करके अपन निकालेंगे। जैसे आते हैं एक एक सवाल के ऊपर आते हैं, जैसे मान लो मैंने सबको हटा दिया और एक सवाल आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जैसे सवाल आपके सामने कुछ ऐसे लिखा गया है, तब तक आप फटाफट नोट कर लें, तक मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं, लाइक आपके सवाल सामने एक सवाल लिखा हो कि सवाल कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, देखिए इक्वेशन दे रखा है, कुछ इक्वेशन दे रखा है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड पहला सवाल आपसे पूछा अल्फा माइनस बीटा, दूसरा पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तीसरा पूछा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, चौथा पूछा अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, 4 भी निकाल ही लेते हैं, फिर पांचवा पूछा अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, ये आपके 5 सवाल आपके सामने पूछा है। अब एक एक सवाल को सॉल्व करने चलते हैं जरा सा,
आप मेरी मदद करें इस सवाल में, क्योंकि आपकी मदद के बिना थोड़ा होना मुश्किल है। ध्यान से देखें, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्या है गिवेन, क्या है सवाल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट है अल्फा और बीटा। ये दो रूट देखते ही अपने मन में चार बातें आती है। कितने ख्याल आता है? चार ख्याल आता है। दो ख्याल नहीं आता है, चार ख्याल आता है। कौन कौन चार ख्याल? दो ख्याल तो ये आता है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यानी टू हो गया, माइनस बी माइनस माइनस प्लस टू बाई ए की वैल्यू वन। दूसरा ख्याल क्या आता है? अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सी बाई ए, सी बाई ए का मतलब चार। दो ख्याल तो ये आता है। जब भी सवाल आए तो चार ख्याल मन में आना चाहिए। सर चार क्यों आप बोल रहे हो, आप तो दो ही लिखो, दो ख्याल और कौन है? दो ख्याल ये भी आना चाहिए भाई कि अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस फोर इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो इसके रूट है अल्फा और बीटा, तो इनको भी सेटिस्फाई करेंगे ये टू बीटा प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ये चार ख्याल आना चाहिए, और ये चार ख्याल को अपने मन में जैसे ही आए इनको एक जगह इकट्ठा करके लिख लो। किसकी जरूरत पड़ेगी हम जानते नहीं है, और आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सब आइडिया चल जाएगा कि किसकी कब जरूरत पड़ेगी, क्या लिखना है, सब आपको आइडिया लग जाएगा। पहला सवाल में बोला है डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, रूट डी बाई ए। ए रूट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए। जरा देखते हैं अल्फा माइनस बीटा, ए की वैल्यू तो हो गई वन, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर दो, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस फोर इंटू ए के जगह पे कितना है अपने पास, ए के जगह पे वन है और सी के जगह पे चार है, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये हो गया सिक्सटीन। ये कितना हो गया यहाँ पे इंटू फोर, तो आपका फाइनली कितना आया, ये अंडर रूट के अंदर माइनस शायद 12 आ रहा है। अल्फा माइनस बीटा कोई बात नहीं, अंडर रूट माइनस 12 परेशान मत होना, इमेजिनरी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नंबर की चीज पूछा है इसमें, क्या सेकेंड नंबर की चीज पूछा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। पीछे अभी मैंने लिखा था क्यों आया, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, माइनस टू अल्फा बीटा से कैंसिल हो गया, क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है टू का स्क्वायर माइनस और टू इंटू अल्फा इंटू बीटा है फोर, ये कितना हो गया आपका चार माइनस आठ, क्या आ गया आंसर माइनस फोर। ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है भाई, ये पूरा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आई है तो एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का सम कैसे नेगेटिव नंबर आ गया, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो टू अल्फा बीटा ये आपका हो गया, हाँ सही है ना, रूट्स इसके इमेजिनरी है, हाँ अच्छा क्या बात है शानदार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई, क्या बात है, मतलब बहुत ही जबरदस्त आपके सामने एक चीज आ गया माइनस फोर, जबरदस्त ये आ गया। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आया, क्या है यहाँ पे देखो, आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आना क्या चाहिए था, पॉजिटिव, लेकिन आया क्या नेगेटिव। सर कैसे ये कैसे संभव हो सकता है कि पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव नंबर आ गया? ये सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी, अगर ये रियल होते तो रियल का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता, ये आपके यहाँ पे इमेजिनरी आ गया है, तो इमेजिनरी के सेंस में हम आपका रूट्स इसके आ गए, आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस फोर आ गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सर क्या ये सही है या गलत, तो आज देखो अल्फा और बीटा हम अलग अलग निकाल लेते हैं, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा कमा बीटा, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका अल्फा इंट माइनस बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये हो जाएगा आपका टू प्लस माइनस, ये माइनस बारह यानी टू रूट थ्री आई अपॉन टू, टू से टू कट गया, ये बच गया अल्फा कामा बीटा इक्वल टू बच गया वन प्लस माइनस रूट थ्री आई। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो ये हो जाएगा वन माइनस थ्री, देखो वन माइनस थ्री, फिर यानी माइनस टू यहाँ पे बचेगा प्लस टू इंटू थ्री आई हो जाएगा, फिर दूसरा वाला अगेन वन माइनस थ्री माइनस टू इंटू थ्री आई हो जाएगा, और कट के आपका माइनस फोर आ जाएगा। बिल्कुल घबराना मत, ये रूट्स इसकी इमेजिनरी है इसलिए इसकी सम आपका माइनस आया है, बात समझ आ रही है ना, परेशान मत होना कि सर दो सब पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि रूट्स इसके इमेजिनरी है। तीसरे नंबर के बाद की तरफ आते हैं, मेरे पता चला कि आप लोग यहीं से सवाल यहीं से आप बंद कर दो कि अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, दो पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव आ गया और आप कैसे आप बात कर रहे हैं आगे, अरे रूट्स इसके इमेज
इमेजनरी है इसलिए ऐसे आ रहे हैं भाई। फिर ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपके सामने क्या हो गया, इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया भाई, 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, 8 माइनस देखो 2 क्यूब की वैल्यू कितना हो गई 8 और ये कितना हो गया आपका 4 2 जा 8 और 3 जा 24 तो ये हो गया 8 माइनस 24 आंसर हो गया माइनस 16 यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 16। ठीक है ना, एक बार मिला लेना, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 24 माइनस 8। बाकी अब आगे आते हैं चौथे नंबर पे अल्फा पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पे निकालते हैं। जैसे देखो चौथा फोर्थ नंबर का पॉइंट अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या हो जाएगा भाई, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही हमने बताया अभी। यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग ओपन करेंगे तो यही आएगा भी फिलहाल में, अल्फा प्लस बीटा की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू आई है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अगेन देखो मजेदार बात फिर से आई, ये आपकी है अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर है, अल्फा इंटू बीटा का ये होल स्क्वायर लिखा है, ये हो गया 16 माइनस 2 इंटू ये 4 का स्क्वायर 16। फिर देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या दे दिया, ये सॉरी 4 है यहाँ पे भाई, यहाँ पे 4 है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या दे दिया 16 माइनस 32, क्या आंसर आ गया माइनस 16। क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टिल रूट्स इसके इमेजिनरी है। पांचवे नंबर की बात पे आ जाते हैं, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकलवाया है अपने से, ये निकलवाया है तो इसको निकलवाने के लिए हम डायरेक्ट इसको करने के बजाय हमने क्या आपको बताया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मल्टीप्लाई करने में हम ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये इसमें मल्टीप्लाई, सॉरी बीटा क्यूब है, अब ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। अब यहां से इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास शायद माइनस 4 है, देखो यहाँ पे दिख रहा है माइनस 4 है, और यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी अपने पास है शायद माइनस 16 है, शायद क्या वही है ये माइनस 16 इक्वल टू अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, तो सवाल में हमसे कहा ही है निकालने के लिए, यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन हो गया अल्फा प्लस बीटा रह गया, कोई बात नहीं ये हो गया 64 अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 प्लस, फिर प्लस ये हो गया 4 का स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया 16 दुना के 32 मतलब 64 माइनस 32 बाहर निकलेगा अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, और ये आपका फाइनली कितना आ गया, ये हो गया अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू आ गई आपकी 32। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है, तो यही पांच आपसे पूछा गया था इधर में, देखो यही पांच पूछा गया था, हमने ये पांच आपका निकाल लिया, तो ये आपका सवाल किसके ऊपर हो गया कि अगर अल्फा और अल्फा की पावर समथिंग और बीटा की पावर समथिंग के बारे में सवाल पूछता है तो ये उस पे हो गया। लेकिन क्या सर बस ऐसे ही सवाल बनेंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ये जरूरत बिल्कुल नहीं है, सवालों का पैटर्न बदल भी सकता है, और आपके सवालों के पैटर्न बदलने का मतलब अगर कुछ ऐसे सवाल आ गए आपके सामने, जैसे मैं जरा इनको हटा देता हूं और आपके सामने सवाल कुछ इस टाइप के आ गए, सपोज आपके सामने सवाल ऐसे आ गए, जैसे सवाल में लिख दिया, आप तब तक उनको नोट कर ले सारा का सारा, तब तक मैं भी अपना सवाल नोट कर लेता हूं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड देन फाइंड पहला वन अपॉन ए अल्फा प्लस बी इंटू वन अपॉन ए बीटा प्लस बी, ठीक है, दूसरा आपके सामने मान लो ऐसे आ गया, सेकेंड
वन अपॉन ए अल्फा प्लस बी का स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए बीटा प्लस बी का स्क्वायर। ये सिर्फ दो ही पूछ रहा हूं, आगे अभी और पूछूंगा, लेकिन अभी इस सवाल के लिए स्पेशली बस इस सवाल के लिए दो ही मैं पूछ रहा हूं। अगर सामने ये सवाल आ गया तो उस केस में हम कैसे करेंगे? तो मैंने क्या कहा कि जब सवाल आपको कॉम्प्लिकेटेड या कठिन लगने लगे तो क्या हम यूज करेंगे? यूज करेंगे क्या, वो तो बाद में बात है। पहले तो सबसे पहला जो ख्याल आएगा ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो के, कि सर जी दो रूट है, यहां से हमें चार ख्याल आता है, चार मन में चार ख्याल आता है। क्या चार ख्याल आता है? पहला सम ऑफ रूट्स के बारे में, सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस बी बाई ए, सर जी माइनस बी बाई ए। दूसरा क्या ख्याल आता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में, क्या हो जाता है ये, सी बाई ए। तीसरा क्या ख्याल आता है, चूंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हो गया ए अल्फा स्क्वायर हो गया, बी अल्फा हो गया प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए बीटा स्क्वायर हो गया, बी बीटा हो गया प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया। अब क्या सवाल कह रहा है, सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल कहा है वन अपॉन ए अल्फा प्लस बी इंटू वन अपॉन ए बीटा प्लस बी। जरा देखो तो ऐसा ऐसा चित्र, ऐसा फिगर, ऐसा इस तरह का पैटर्न कहां दिख रहा है? यहां है, नहीं है सर जी, यहां है, नहीं है सर जी, यहां है। क्यों? इनमें से एक अल्फा कॉमन करोगे तो मिल जाएगा। आई बात समझ में? क्या यहां से एक अल्फा कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा। आओ जरा यहां से एक अल्फा कॉमन करते हैं भाई। यहां से लिखे ए अल्फा प्लस बी, एक अल्फा हमने कॉमन किया, बाकी सी को उधर भेज दिया माइनस सी। मतलब ए अल्फा प्लस बी, यहां से हम कह सकते हैं कि ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू आ गई माइनस सी बाई ए। और यहां से क्या लिख सकते हैं ऐसे ही, जरा बताओ तो बच्चों, ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी बाई ए। क्यों भाई? अल्फा और यहां से माइनस सी बाई बीटा। ध्यान देना भाई, कहीं कहीं वो होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, फंबल हो जाता है, कभी कभी फंबल हो जाता है। यहाँ पे माइनस सी बाई ए है, अल्फा नहीं था, ए नहीं था, माइनस सी बाई अल्फा था, ये माइनस सी बाई बीटा। क्यों? इन दोनों में से बीटा कॉमन कर लिया तो ए बीटा प्लस बी, चूंकि हमें उसी की जरूरत भी है, हमने यहां पे उठा के रख दिया। ये हो गया वन, इसके जगह पे क्या रखा, माइनस सी बाई अल्फा इंटू इसके जगह पे क्या रखा, माइनस सी बाई बीटा। अल्फा ऊपर गया, बीटा भी ऊपर गया, ऊपर जाके बन गया अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू अपॉन नीचे में माइनस सी का स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर। अल्फा बीटा इटसेल्फ कितना है भाई, सी बाई ए है, ये हो गया सी बाई ए, नीचे में कितना सी स्क्वायर, एक सी से सी कट गया, वो ए नीचे आ गया लटक के, आ गया क्या बन गया वन अपॉन ए सी। बोलो बच्चों ये आंसर हो गया, ये कौन से वाले का आंसर हुआ, पहले वाले का। क्या दूसरा?